में युवा पीढ़ी को बिगाड़ती है। इसे सिनेमा जगत का ब्लैक फ्राइडे कहा जाएगा। पब्लिक समझ नहीं पा रही है रिफंड कैसे मिलेगा। समझ में नहीं आता सरकार क्या कर रही है। हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ऐसी फिल्में युवा पीढ़ी पे कलंक है। हम कहते हैं इन दोनों को बैन करो। अपनी तो फुल लग गई डूड। तुम लड़की में सबसे पहले क्या देखते हो? तो डिपेंड करता है ना कि लड़की आ रही है कि जा रही है। कैसी कैसी लड़कियां तुझे फोन करती है यार। मैंने पूछा हूँ स्पीकिंग तो बोलती है आई एम वेट। अबे इडियट, वेट का मतलब है जानवरों की डॉक्टर। तू और तेरी गीला अभी बैठ के बात कर। विद्या बालन का ब्लाउज फ्रॉम द डर्टी पिक्चर। श्रीखंड, ये श्रीखंड कौन सी फिल्म का है सर? विक्की डोनर। सात साल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की है उन्होंने। कौन सा पैर ये मत पूछना। माँ तो पिताजी को हाथ ही नहीं लगाने देती थी, इसीलिए पिताजी ज्यादातर अपना वक्त घर के नौकर रामदीन के साथ गुजारा करते थे। पिताजी के रामदीन पर इतने एहसान थे कि रामदीन हमेशा उनके आगे झुका ही रहता था। जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। जो तुम्हारे पास है वो आजकल दुकानों में बिक रहा है, और वो भी बैटरी ऑपरेटेड और गारंटी के साथ। वो आपके जेब में जो फोन है वो वाइब्रेट कर रहा है। मैं तो फोन लाया ही नहीं।